अभी मैं जाऊंगा, अभी बहुत देर होगा, मैं उसको बोल रहा हूँ कि आप जल्दी से खाना लगा दे, तो मुझको खेत में भी जाना रहता है। फिर मैं दोबारा से फिर मैं दोबारा फिर चाय लेके डैडी के फिर खेत में जाता हूँ। और ये देखे दोस्तों, इसने किचन का क्या हाल किया हुआ है। मैं नहीं मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, किचन का तो ये हाल रहता है जो जहाँ पे जो फार। ए व्हाट्सअप पीपल, मैं आ चुका हूँ खेत से और अभी मैं लेके जाऊँगा डैडी के लिए घर पे बोला घर से डैडी के लिए खाना लेके जाऊँगा। और ये देखिए दोस्तों, प्रियंका भी यहाँ पे काम कर रही है, तो अभी मैं जाऊँगा, अभी बहुत देर होगा, मैं उसको बोल रहा हूँ कि यार जल्दी से खाना लगा दे, तो मुझको खेत में भी जाना रहता है। फिर मैं दोबारा फिर चाय लेके डैडी के फिर खेत में जाता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, इसने किचन का क्या हाल किया हुआ है। मैं नहीं मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, किचन का तो ये हाल रहता है जो फार्मिंग करते हैं उनके घर का, तो ये हाल रहता है। इतना शहरों की तरह ज़्यादा फैशन में नहीं रहते हैं, वो फैशन करते तो हैं पर क्या करें। और दोस्तों, इधर से इस साइड से वीडियो अच्छी आ रही है, उस साइड से थोड़ा सूरज की प्रॉब्लम हो रही दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इधर से वीडियो अच्छी आ रही। बनाओ बनाओ बनाओ, गुड्डन रोटी बना रही। बनाओ, हाय कर दो। किस कर दो फ्लाइंग। रोटी बनाओ। हाथ से सेको रोटी। चलो भाई गुड्डन, ऐसे कर ले ऐसे। देखो भाई गुड्डन रोटी बना रही। बना भाई गुड्डन। बना नुको। बना नुको। नुको खाओगे? नुको खाओगे रोटी? ऐसे कर ले ऐसे। पराठा खाओगे नुको? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोनू गुड्डन व्लॉग्स। और दोस्तों, मैं आज आया हूँ अपने खेत में, मतलब खेत एक और दूसरा खेत है, वो दूसरा है जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। और हम आज कर रहे हैं यहाँ पे स्प्रे। तो ये दोस्तों देखिए आप पीछे, ये इसमें मेरे को कम से कम 20 टंकी इसमें उसकी मारनी है। और मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमने दवाई ले ली है इसमें पीछे, और इसमें से डालेंगे, और फिर वाटर भी है वो भी ऐड करना पड़ता है। और मैं दिखाऊंगा आपको स्प्रे करके कैसे। ये देखे दोस्तों कि किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये देखिए दोस्तों, ये सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा, और पैर बिल्कुल सुन हो गए हैं, पर क्या करें दोस्तों। जब ये तो कहते हैं कि किसान और जवान सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, और देश को चलाने में इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में यार ज़रूर शेयर किया करो। देखो ये देखिए दोस्तों, कितने ये 20 बीघा है, तो इसमें मुझे मारना पड़ेगा। दिखाओ चल के, चलो गुड्डन। हाँ चलो पिलट। हाय लाड्डी कर रही भाई की। हो पारी कर ली। देखिए दोस्तों कितना प्यार करती है ये अपने भाई से। ले पीनट बटर खुआओ भैया को, खिला दे, खिलाओ भैया को। चलो डिब्बा खोल दे। हाँ खोल दे नोनू भाई, ला दे मदेरा खोल गए। हाँ ले खिलाओ, जा चम्मच से खिला दे। हाय करो कैमरे को, पहले कैमरे को हाय कर दो। ओहो झगड़ा हो रहा दोनों को। ओहो पीनट बटर के ऊपर देखो दोस्तों, ये इन्होंने मेरा पीनट बटर
इनको बहुत, दोनों को बहुत टेस्टी लगता है मेरा पीनट बटर, इन्होंने आज ही खाया है। और देखे दोस्तों किस तरह टूट के पड़ गए हैं इस पे। नोनू, नोनू भाई, नोनू, नोनू, हाय 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 कर दे, हाय हाय कर दे भाई। गुड्डन भैया को तो खिला दे, भैया को खिला दे आराम से, थोड़ा सा बस, भैया को खिला दे, खिला दे भैया को, खिला दे भैया को, खिलाती नहीं क्या भैया को? नहीं खिलाती। हाँ नोनू भाई तो भाई इसी तरह देख रहा, चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले ट्रेडिशनल तरीके में मक्खन कैसे निकलता था। ये है हमारे यहाँ पे, आज लाइट तो है पर इससे ही निकाल रही है मम्मी आज ये मक्खन। मक्खन इस तरीके से, पहले ट्रेडिशनल तरीके में इस तरह से मक्खन निकलता था। और दोस्तों अब तो इलेक्ट्रिकल मशीन आ गई हैं, जैसे ये जो क्या बोलते हैं इसको, इसको तो मुझे पता भी नहीं है, ये जो मिक्स मशीन होती है ये ब्लेंडर का काम करती है, मिक्सी का। और ये जो यहाँ पे इस तरह ये लटकाया हुआ है इस साइड में, और ये जिस तरह मोटर घूमती है इलेक्ट्रिकल में, तो ये उसका ब्लेंड का काम करती है। और इस तरह ट्रेडिशनल तरीके से गांव में मक्खन निकल जाता, मक्खन निकाला जाता है लस्सी से। ये वाइट वाला मक्खन निकलता है दोस्तों, और जो अमूल का होता है वो पीला होता है। वैसे तो ये मिल्क जो है काओ मिल्क ही है, हम तो घर में सब काओ मिल्क ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि काओ मिल्क बहुत अच्छा रहता है, उसमें फैट बहुत कम रहता है, तो इस वजह से हम उसको इस्तेमाल करते हैं।